पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जबर ते सबर की लड़ाई उन्होंने पूर्णिया से चलण वाले हो धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहनण वाले जिन्होंने सानू हुक्म किया कि जुर्म जे करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है उन्हां दे हुक्मां ते चलण वाले हो अपने तो बिना किसे धर्म के उत्ते हो रहे पाप दी राखी करन वाले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पूर्णिया ते चलण वाले हो दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरबंसदानी जुल्मां दे खिलाफ लड़न वालियां दे हुक्मां ते चलण वाले हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं फतेह दी सांझ करन तो पहला इन्ना कुछ इसलिए याद करवाया है कि असी मेहनत कश लोग असी मिट्टी के पुत इस धरती नूं फरोल के सोना पैदा करने वाले लोग कल्ले मिट्टी के माधो नहीं इस सरकार नूं दस देना चाहते हैं कि जबर किते साडे ते पहली बारी नहीं होण लग्या। अज पूरी दुनिया दे विच पंजाबियों की इस सिख कौम की तूती बोलन ला दी है तेरे अंदोलन ने मोदी साहब तूती पौने 2% जिन्हां नूं कहिंदा सी ओए साडा इतिहास पढ़िया करो 10 लाख दियां फौजां नाल जे 40 लड़ सकदे आ ना कदे गुणा करके देखी कि थोड़े ना समझी पौने 2% ओ जे 1.25 लाख नाल इक लड़ सकदा ना ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 70% ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਖੱਬਲ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਖੱਬਲ ਵਰਗੇ ਖੱਬਲ ਪੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਝਾੜੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੁਰਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਖੱਬਲ ਹੱਸਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਹਵਾ ਫੇਰ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਇਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
अपनी हैसियत मुताबिक असीं कुछ भी नहीं कर रहे। धन ने आ मेरिया मावां, धन ने मेरे बजुर्ग बापू जिहड़े अज ढाई ढाई पौने तीन तीन महीनों के इत्थे बैठे है। पर तुहानूं भी बेनती करदा, एक एक फोन अपने घर, अपने पिंड, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने दोस्तां नूं, अपने जानकारां नूं शाम नूं जरूर करिया करो। उहनां नूं माड़ा जिहा तुहाडी याद आवे। बहुत लोग ने जिहड़े सानूं सिर्फ इह पुछदे आ कुछ बणो, उहनां नूं अगों इक्को ही गल कहनी पैंदी है, शर्म करो, शर्म करो। इह गल पुछण लगे असीं जे उत्थे गए आ ता कुछ बना के ही मुड़ांगे, वैसे ही नहीं मुड़ते। यह साडा वादा है। जेड़ा जेड़ा प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिता जाता है उहदे ते फुल चढ़ाउणे साडा फर्ज बनता है, नैतिक फर्ज है साडा। ओए अपणियां जे कोई आपस दे विच माड़ियां मोटियां होईयां बाद च कर लांगे, असीं हर वारी हथ जोड़दे हाँ, एक हो जाओ। एक गल मैं कह देनी चाहना आ स्टेज तो, भावें सरदार प्रकाश सिंह बादल है, भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह है, भावें कोई भी पहलां वालियां पार्टियां ने, मैं कल्ले पंजाब की गल की है फिलहाल, वह भरावो नहीं चाहते तुहाडा निबड़ जी, वह नहीं चाहते। उन्होंने पता है भी जे किसान जित के आ गए सानू किसी ने डेलिया वटे नहीं पुछना, इतने डेलिया वटे ये सच्चिया गलां ने। उन्हां दी डेली गल हुंदी होगी दिल्ली मेरा ख्याल है फोन ते रोज। इस करके अपने जिहड़े अंदरों अकाली पुणा कढ दिओ, अपने अंदरों कांग्रेस पुणा कढ दिओ, अपने अंदरों रवायती पार्टियां कढ दिओ फिलहाल, जदों दोबारा कदे वोटां पईआं पा लिओ। पर एक बार इकट्ठे हो जाओ, मेरी हथ जोड़ के बेनती है, खास करके नौजवान वीरां नूं के जंग बजुर्ग तो साढ़े इतने बैठे है, ये तुहानू लड़न की लोड़ है। नौजवान वीरां तगड़े होके लड़ो, पिंडां दे विच काफले बनाओ। अपनियां जिहड़ियां फेसबुकां ने तुहानू भी कहना, अपनियां फेसबुकां ते इत्थों दीआं फोटोआं खिच खिच के नेरियां लिया जा करो, रोज वेले ही हो, नैट तां आपां नूं चलदा ही है, हर चीज दिखाओ। मीडिया नूं बेनती करदा और साडी चज दी गल दिखा दिया करो, कोई चज दी गल, हथ जोड़ के बेनती है। गोदी मीडिया ने नहीं दिखाउणी, उह तां खरीदे हुए लोग ने। असीं पिंडां दे विच जिन्ने क जोगे हां रौला पा रहे हां, तुहानूं बेनती है अपना मैसेज अपने पिंड, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने जानकारां नूं रोज फोन करके दिओ, रोज सताओ उन्हां नूं। जदों तुहानूं पुछदे ना ठीक हो, उन्हां नूं भी उल्टा कहो कि तुसीं इत्थे की करदे हो। अगे वहीर बनाओ, एक पूरा एक लामबंद करो सारिआं नूं, इह मेरी बेनती है तुहानूं हथ जोड़ के। ते जिहड़े इत्थे हुल्लड़बाजी करदे सी मेरा ख्याल है हट गए ने, चंगी गल है, बहुत चंगी गल है। मैं हर वारी कहना हुंना ओए आपां इत्थे जशन मनाउण नहीं आए, जशन मनावांगे जिद्दण इत्थों जित के जावांगे, मनावांगे पंजाब दा की, हरियाणे दा की, सारे कलाकार सड़कां ते भंगड़े पाउण ला जांगे, नां लाए जो मर्जी कह दिओ, पर एक वारी जित लईए जंग आपां। इस जंग नूं इक वार जित लईए, इस करके इत्थे आपां धरने ते आए हां। जिहड़ी गल पहलां भी भाई साहब ने कही सी, आपां धरने ते आए हां, जिहड़ी सरकार ने काले कानून बनाए आ उहदे मरने ते आए हां, आपां इत्थे जशन नहीं मनाउणे आ जी, मनावांगे। बस इन्नियां बेनतियां करदे हां। साडे खन्ने तों सारा काफला आया, सरदार रजिंदर सिंह जी बैनीपाल, साडे दलजीत सिंह होरी, साडे अमृतपाल सिंह जी, साडे माणयोग जगतार सिंह जी जग्गावीर, जिन्हें भी साढ़े नाल इत्थे आए ने, हमलोह तो आए ने, साड़ियां अज्ज पंज छे गड्डियां आईयां ने, सारिआं नूं सारिआं वल्लों तुहानूं फतेह है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।